हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 31 अगस्त तक के बिजली बिल माफ हो, देवल। प्रदेश के कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों जैसे बिजली की दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि करना, फिक्स चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूली करना, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली करना, कोरोना काल में स्थगित बिजली के बिलों को एक साथ अधिक राशि के बिल भेजकर उपभोक्ताओं से लूट करना, किसानों के बिजली बिलों में दी जा रही सब्सिडी को बंद करना, किसानों के कृषि कुओं पर गलत तरीके से VCR करना, मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती करना, ट्रिपिंग और फॉल की समस्या को कई कई दिनों तक ठीक नहीं करना, जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे में नहीं बदलकर कई हफ्तों तक किसानों को परेशान करना आदि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिनांक 28 अगस्त से 4 सितंबर तक राज्य सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम अनुसार आज प्रदेश के सभी GSS पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया गया। इस क्रम में रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर जोधपुर डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता भरत देवड़ा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अमीचंद जैन, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रीडमल सिंह डाभी, जिला मंत्री उक सिंह परमार, जिला मंत्री मंजी राम चौधरी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल पुरोहित, पूर्व सरपंच पोपटलाल रावल, भीकाराम चौधरी, गोविंद रावल, भावेश चौधरी, नरेश जोशी, चेतन वैष्णव, कांतिलाल पुरोहित रोड़ा, किरण कुमार माली सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल माफ करने की बात करती हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज, फिक्स चार्ज, VCR और बिजली दरों में वृद्धि को लेकर कोरोना के कारण आर्थिक परेशानी झेल रहे राजस्थान की जनता और गरीबों को जिस तरह कांग्रेस सरकार द्वारा लूटा जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हैं। मैं कहना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी से कि आपको राजस्थान की जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अभी कल ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने वहाँ की जनता को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक बिजली के बिल माफ किए हैं। क्या प्रियंका गांधी राजस्थान में बिजली के बिल माफ करने के लिए गहलोत सरकार को कहेगी? कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ चुका है। ये सरकार नकारा साबित हो चुकी है और जनता इसको सबक सिखाने का मौका ढूंढ रही है। आने वाले पंचायत, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के ताबूत में अपने वोट रूपी आखिरी कील ठोक कर अपना गुस्सा उतारेगी। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और जल्द ही प्रदेश से इस सरकार की विदाई तय है। कार्यक्रम को अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।